जो पुलिस एजेंसीज हैं, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये एनआईए हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये सरकार के हाथ में बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। और सिर्फ कठपुतली ही नहीं, मतलब ये लोग, मुझे तो याद आता है जो 50 के दशक में, 1950 के दशक में जस्टिस एएन मुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए बोला था कि यूपी की पुलिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग इन दिस कंट्री। वो बात आज 100% ट्रू है, और सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस, एनआईए, ये सब इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स बन गए हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले तो मैं जो हमारे युवा एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो न्याय के साथ रोशनी के साथ खड़े पुलिस की रहे, खड़े हैं, और जो सच के साथ खड़े रहे, खड़े हैं, और जो आज जिनको अरेस्ट कर करके, प्रोसिक्यूट करके जेल में डाला हुआ है, मार पिटाई उनके साथ करी गई है, टॉर्चर किया गया है, मैं इस देश की तरफ से, इस व्यवस्था की तरफ से उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। और उन लोगों को और उनकी फैमिली को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना प्रताड़ना के बाद भी वो लोग इतने जोर से खड़े हुए, बहुत बड़ी बात। देखिए, जो आज इस देश में चल रहा है वो कानून का राज तो कहा नहीं जा सकता, आज तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जो दंगई हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिंसा करते हैं, जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, उनको खुली छूट दी गई है। और जो लोग न्याय के लिए, दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको झूठे केस में फंसाकर, अरेस्ट करके, टॉर्चर करके हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पुलिस एजेंसीज हैं, चाहे ये दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये एनआईए हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये सरकार के हाथ में बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। और सिर्फ कठपुतली ही नहीं, मतलब ये लोग, मुझे तो याद आता है जो 50 के दशक में, 1950 के दशक में जस्टिस एएन मुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए बोला था कि यूपी की पुलिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग इन दिस कंट्री। वो बात आज 100% ट्रू है, और सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस, एनआईए, ये सब इस देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स बन गए हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का जो हम लोगों ने रवैया देखा, चाहे वो जेएनयू वाले इंसिडेंट में, चाहे वो जामिया के इंसिडेंट में, चाहे वो दिल्ली रायट्स में, चाहे वो किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट में, कि पुलिस ही हिंसा करती है, करवाती है, हिंसा करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देती है। जेएनयू में पुलिस के पूरे संरक्षण में गुंडों को घुसाया गया, पूरे संरक्षण में गुंडों को बाहर निकाला गया जब वो मारपीट कराए।
स्टूडेंट्स और टीचर्स के खिलाफ। जामिया में पुलिस ने ही जाकर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में जाकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ तोड़ कर स्टूडेंट्स को वहां पीटा। और दिल्ली रायट्स में भी कितने वीडियोस आ चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के अफसर जो हैं जमीन में पड़े हुए लोग जो बहुत बुरी तरह से घायल हैं उनको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो और ये बोलो वो बोलो, और उनमें से एक लड़का मर भी गया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए पुलिस के द्वारा, जिससे कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो सामने ना आ पाए। और फिर जो लोग जिन्होंने दंगे करवाए, जिनके वीडियो हैं, ये कहते हुए कि भाई हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, कपिल मिश्रा जैसे लोग, गोली मारो सालों को, इस तरह के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई और आज तक खुली छूट दी गई है कि वो अभी भी परसों यही कह रहा है कि मैं फिर से यही करूंगा। तो और उल्टा जो लोग बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो सीए के खिलाफ, चाहे वो ये जो फार्म लॉस के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ झूठे केस बना बना कर उनको अरेस्ट किया जा रहा। डीपीएसजी दिल्ली प्रोटेस्ट सॉलिडारिटी ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया प्रोटेस्ट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट थे, मैं तो गया था कई प्रोटेस्ट में, मैंने भाषण भी दिए थे और मैंने देखा था कि कितना पीसफुली हो रहे हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा था रोड का। इवन शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था रोड का, वो तो पुलिस ने पूरी रोड बंद कर दी थी, बहुत चौड़ी रोड थी, थोड़े से उसमें एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाया जा रहा था, बिल्कुल पीसफुल तरीके से सब कुछ हो रहा। और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो कहते हैं कि जो लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो लोग सब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे कि दिल्ली में दंगे करवाए जाए। हम भारत के लोग एक और ग्रुप बना जिसका मकसद ये था कि भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाया जा सके, हमारे संविधान को बचाया जा सके, उनके खिलाफ केस बना रहे हैं कि भाई आप लोग दंगे करवा रहे थे। तो ऐसे केस में कोर्ट्स का बहुत अहम रोल होता है। देखिए कोर्ट्स जो हैं उनकी ड्यूटी है ये देखना कि इस देश में कानून का राज चले, और जहां ये बिल्कुल साफ जाहिर है, साफ दिख रहा है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेईमानी से, मैलाफाइडी तरीके से, जैसे कि क्रिमिनल गैंग की तरह ये पुलिस ऑपरेट कर रही है, कि जो और जो दंगई लोग थे, जो हिंसक लोग थे, उनके साथ मिलकर गैंग की तरह ऑपरेट कर रही है, और जो उन्होंने वायलेंस करी पुलिस ने, जो उन्होंने अपराध किए उसकी जांच वो खुद करेंगे। आज तक वो कहते हैं एक साल के बाद भी उन पुलिस ऑफिसर जिनका अब सब वीडियो है कि इन बच्चों को जो जमीन में पड़े हुए हैं उनको पीट रहे हैं, कहते हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कहते हैं कि हम जेएनयू का कुछ नहीं पता लगा पाए, जामिया का कुछ नहीं पता लगा पाए। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट्स की ड्यूटी ये थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस के हाथ से लेकर और एक स्वतंत्र एसआईटी को दे देना चाहिए था। वो दिल्ली हाईकोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, और इनको सुओ मोटो करना चाहिए था, जब ये सब चीजें बिल्कुल रिट लार्ज है, सब जगह दिख रही है, एकदम क्लियर है, एज क्लियर एज डे लाइट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ड्यूटी थी कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन बेईमानी से हो रहा है, इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो गिल्टी लोग हैं उनको पूरी खुली छूट दी गई है, और ये इन्वेस्टिगेशन हम ट्रांसफर करते हैं। हर्ष मंदर ने केस भी फाइल किया कि भाई कम से कम कपिल मिश्रा पर एफआईआर तो रजिस्टर कराइए, लेकिन वो नहीं करवाया गया, और वो केस जो है
जो पहले जज डील कर रहे थे जस्टिस मुरलीधर, उनका ओवरनाइट रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब, और फिर चीफ जस्टिस ने, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ले लिया, और तब से वो केस एडजर्न ही होता जा रहा। उस केस में ही हाईकोर्ट ये कह सकता था, कहना चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल बेईमानी से हो रहा है, और इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, इसके लिए हम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाएंगे जो हमारे कोर्ट के निगरानी में काम करेगी, लेकिन वो नहीं किया गया। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की यह है कि जहां ये देखे, जैसे नवदीप का केस है, या ये शिव कुमार का केस है, या खालिद सैफी का केस है, कि जहां ये देखे कि भाई पहला तो आपने बिल्कुल बेबुनियाद अरेस्ट कर लिया, झूठा अरेस्ट कर लिया, या इसका केस है ये जो लड़की दिशा रवि, अरे दिशा रवि का टूल किट में तो कोई ऑफेंस है ही नहीं, वो तो इट्स ए केस विच इज फिट फॉर वॉशिंग द एफआईआर इटसेल्फ, इट्स अ केस एमिनेंटली सूटेड फॉर वॉशिंग द एफआईआर। इसी तरह से ये जो केस कैरवान के खिलाफ रजिस्टर किया गया है कि भाई आपने ये बोल दिया कि उस नवरीत जो फार्मर था उसको गोली मारी गई, आपने कुछ आई विटनेसेस का कोट करके ये लिख दिया, और ये ऑफेंस है, इस पर एफआईआर रजिस्टर कर लिया। दिस केस इज ऑल्सो फिट फॉर वॉशिंग, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है ये रिपोर्ट करना, और ये कहना कि ये सेडिशन है वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक क्लासिक केसेस हैं क्वेश्चनिंग के। और नॉर्मली जब कोर्ट ये देखता है, चाहे वो बेल की प्रोसीडिंग में देखे, चाहे वो डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग में देखे, चाहे वो ट्रायल की प्रोसीडिंग में देखे, जब कोर्ट को ये दिख रहा है कि भाई ये केस झूठा बनाया गया है, मैलाफाइडी बनाया गया है, और इस जने को टॉर्चर किया गया है पुलिस कस्टडी, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढ के दंडित करे, आइडेंटिफाई करके दंडित करे, और ये जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने खालिद सैफी का टॉर्चर किया, या इसका नवदीप का टॉर्चर किया, या शिव कुमार का टॉर्चर किया, इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, और कोर्ट की ड्यूटी है इनको तुरंत आइडेंटिफाई करके, इनका तुरंत प्रोसिक्यूशन करा के इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जब 4, 6, 10 लोग पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे सजा मिलेगी, तब पुलिस का रवैया ये बदलेगा। आज उनको लगता है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी झूठा केस बना दें, फैब्रिकेट कर लें एविडेंस, भीमा कोरेगांव में इन लोगों के कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट किया गया, ये अमेरिका की एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि इनके कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट किया गया, जिसके आधार पर इनको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने प्लांट किया। ऐसे केस में इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, कुछ लोगों का होगा तब फिर ये बंद हो जाएगा, नहीं तो इनको लगता है कि हमारे लिए तो कोई रिस्क है ही नहीं, कुछ भी कर दो, झूठा केस बना दो, मार पिटाई कर दो, टॉर्चर कर लो, कुछ भी कर दो, हमें कुछ नहीं होगा। जब तक उनको, जब तक ये इम्प्यूनिटी की फीलिंग नहीं तोड़ी जाती, और उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी है, और कोर्ट्स का राइट भी है, उनकी ड्यूटी भी है कि इस इम्प्यूनिटी को तोड़ें, और उसको तोड़ने के लिए इन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। एनीवे, अब फॉर्चुनेटली अब हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट का भी थोड़ा थोड़ा रवैया बदल रहा है। आज नवदीप कौर की बेल हुई, उस दिन दिशा रवि की बेल हुई, अब मुझे पूरा विश्वास है कि शिव कुमार की भी बेल हो जाएगी, लेकिन इसके आगे जाने की जरूरत है। इन पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई कर करके, ढूंढ ढूंढ के आइडेंटिफाई करके, एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन सब को पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों में सड़ाने की जरूरत है, जिन लोगों ने इस तरह के झूठे केस बनाए। और इसलिए आई होप कि नेक्स्ट स्टेप बेल के अलावा, या डिस्चार्ज या एक्विटल के अलावा, जुडिशरी का नेक्स्ट स्टेप ये होगा, होना चाहिए, और शायद होगा भी, कि इन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके इनको पनिश किया जाए। और देखिए, इस देश में
इतना जबरदस्त फैसिस्ट असॉल्ट हो रहा है। हर तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रश करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं, फार्मर्स खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने रिप्रेशन के बाद भी लोग खड़े हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो दौर है फासीवाद का, ये अब जल्दी ही खत्म होगा इस देश में। थैंक यू।